हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे एक्सरसाइज 7.2। ठीक है, जिसमें अपनों ने क्वेश्चन 3 तक अपनों ने कंप्लीट कर लिए थे। उससे पहले मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे दूं भी, आपकी 8th क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं, इस सैटरडे को सबकी मैथ की कंप्लीट नोटबुक आनी चाहिए। ठीक है, और मंडे को आपके ग्रुप में मैथ वर्क लिस्ट डालूंगा ऐसे, जिसमें आपका एक तरफ नेम लिखा होगा, दूसरी तरफ कंप्लीट वर्क लिखा होगा भी, अब तक जितने चैप्टर करवा दिए उसमें से जितने आपने किए हैं वो लिखे होंगे, और एक तरफ आपका लिखा होगा पेंडिंग वर्क। ये लिस्ट प्रिंसिपल सर से साइन करवा के आपके ग्रुप में डाली जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, तो जितने भी 8th क्लास के स्टूडेंट हैं वो अपना वर्क सैटरडे तक 7.1 तक, 7.2 तक कंप्लीट हो जाएगा, वो आप कंप्लीट करके सबमिट करवा के सैटरडे को कंप्लीट नोटबुक आपने सबमिट करवानी है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो अपने क्वेश्चन कर रहे थे, जितने भी मैथ की कॉपी चाहे आपकी नोटबुक चाहे A1 है, 2 है, 3 है, जितने भी आपको सबमिट करवानी है। ठीक है, सैटरडे को देखो क्वेश्चन नंबर 4th क्या है। क्वेश्चन नंबर फोर गिवन है, द डिनोमिनेटर ऑफ ए रेशनल नंबर इज लेस देन इट्स न्यूमरेटर देन 5। जो एक रेशनल नंबर है उसमें डिनोमिनेटर जो है वो इसके न्यूमेरेटर से कितना कम है, 5। तो लेट न्यूमेरेटर अपने पास लेट कर लेते हैं एक्स है, क्या है न्यूमेरेटर अपने लेट कर लेते हैं एक्स है, तो डेनोमिनेटर क्या होएगा बताओ, इससे 5 कम होएगा, यानी 5 क्या होएगा माइनस होएगा, इसलिए जो रेशनल नंबर बनेगा, सो रेशनल नंबर इज एक्स अपॉन डायनोमीटर आएगा एक्स अपॉन एक्स माइनस 5। अब देखो इफ 5 एडेड टू न्यूमेरेटर देन न्यू नंबर बिकम 11/6। अगर न्यूमेरेटर में 5 ऐड कर दें तो नंबर जो बन जाता है वो 11/6 है। ठीक है, देन फाइंड द ओरिजिनल नंबर। अब अपने को क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन न्यूमेरेटर में अगर अपने 5 ऐड कर दें, क्या करते हैं न्यूमेरेटर में 5 ऐड कर दें, इसमें 5 ऐड कर दें तो जो नंबर है रेशनल नंबर वो अपने पास आता है 11/6। क्या आता है स्टूडेंट, 11/6। अब देखो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x की वैल्यू अपने को फाइंड करके दिखानी है, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 6 × x 6x 6 × 5 30, 11 × x 11x, 11 × 5 = 55। क्लियर है यहाँ तक, 6 को पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, 11 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, अब x वाले एक तरफ कर लेंगे, विदाउट x वाले एक तरफ कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 30 प्लस ये 55 इधर आके क्या आ जाएगा प्लस का इक्वल टू 11x माइनस ये 6x उधर जाके क्या आ जाएगा माइनस का, तो 30 प्लस 55 कितना हो गया स्टूडेंट्स, 85, और इसमें से इसको सेपरेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 5x। क्लियर है, कितना आ गया 85 इज इक्वल टू आ गया 5x। अब x की वैल्यू अगर अपने को निकालनी है तो ये 5 जो है वो इसके डिवाइड में चला जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 85/5, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1 जा ये जाएगा 1 पे और 17, तो x की वैल्यू आ जाएगी 17, सो ये 17 यहां पुट कर दो तो रेशनल नंबर आ गया अपने पास
यहाँ 17 पुट कीजिए, 17 अपॉन 17 में से 5 गया 12, ये इसका आंसर है। क्लियर है स्टूडेंट? तो इस तरीके से अपने को ये क्वेश्चन करना था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, एक कार रेंटल कंपनी चार्ज 500 ए डे, एक कार जो किराए पे देती है उसका जो रेंट है वन डे का 500 है, एंड 8 रुपए पर किलोमीटर ऑफ रेंटिंग ए कार, और 8 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से रेंट देना पड़ता है। प्रकाश रेंट से कार फॉर 2 डेज एंड हिज बिल कम्स टू 1,644। रमेश ने इतना बिल पे किया तो बताओ कितने किलोमीटर चलेगा। तो देखो लेट कर लेंगे, लेट लेट ही ड्राइव कार, लेट ही ड्राइव कार कितने किलोमीटर है, x किलोमीटर, कितने किलोमीटर x किलोमीटर, और 2 डेज चलिए तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और 1 डे का रेंट कितना है, रेंट फॉर 1 डे, 1 डे का रेंट कितना है 500 रुपीज, ठीक है, एक दिन के 500 रुपए लगते हैं, और पर किलोमीटर रेंट कितना है, पर किलोमीटर रेंट ऑफ द कार 8 रुपीज, 8 रुपए लगते हैं पर किलोमीटर से। तो देखो 2 दिन वो चला है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 दिन वो चला है 500 रुपीज एक दिन के, फिर 500 रुपीज 2 डेज के, ठीक है, 2 दिन वो चला है, और किलोमीटर के हिसाब से x किलोमीटर अपने लेट दिया है, x किलोमीटर वो चल गया, 1 किलोमीटर के लगते हैं 8 रुपए, तो 8 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 8x, और टोटल रेंट कितना दिया उसने 1,644, ठीक है, समझ आ गया। एक दिन का लगा 500 रुपीज, सेकेंड डे का लगा 500 रुपीज, और किलोमीटर अगर x चले हैं, जैसे मान लो देखो 10 किलोमीटर चलता, ठीक है, x लेट मान लो 10 किलोमीटर चलता, तो पर किलोमीटर के हिसाब से 8 रुपए के हिसाब से 80 रुपीज हो जाते, वही स्टेप है बस। 500 प्लस 500 कितना हो गया 1000 प्लस 8x इक्वल टू कितना आ गया 1,644, प्लस का 1000 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो 8x इक्वल टू आ गया 644, तो 8x इक्वल टू आ गया 644, 644 में अगर मैं 8 का डिवाइड करता हूं तो ये आएगा 80.5 किलो मीटर, कितना आएगा 80.5 किलोमीटर, क्योंकि ये पूरा पूरा जा रहा है 80 पे, इसलिए 80 पॉइंट क्या आएगा 5 आएगा स्टूडेंट, क्या आएगा 5। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6, और सभी जो स्टूडेंट हैं वो इसके एग्जांपल भी किया कीजिए, और टेस्ट बहुत कम बच्चों का आता है इस बार, जिसका टेस्ट नहीं आया उसके मार्क्स 0 भेजूंगा मैं, और टेस्ट डे आपका फिक्स कर रहे हैं, और कुछ स्टूडेंट बिल्कुल भी स्टडी अच्छे से नहीं कर रहे, कुछ ज्यादा अच्छे से कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, तो लाइन पे आ जाओ बेटा सारे, ठीक है, अब बिल्कुल आपकी पर डे की रिपोर्ट पेरेंट्स को जाएगी। नेक्स्ट देखो, 400 ही डिवाइडेड बिटवीन अमन राकेश एंड रीता, 400 रुपए को अमन राकेश और रीता में डिवाइड करना है, ठीक है, 400 रुपीज को किसको डिवाइड करना है, अमन राकेश एंड रीता। अब देखो आगे, इफ अमन गॉट 40 मोर देन राकेश, अमन को राकेश से 40 रुपीज ज्यादा मिलते हैं, एंड राकेश गॉट
30 मोर देन रीता, और राकेश को रीता से 30 ज्यादा मिलते हैं, तो फाइंड द ईच ऑफ द देम अबव हैव गॉट। तो अपने लेट करना पड़ेगा, रीता से स्टार्ट करते हैं। लेट रीता गॉट रुपीज, लेट रीता गॉट रुपीज इक्वल टू एक्स रुपीज, कितना है एक्स। अब राकेश को कितने मिले हैं, राकेश को मिले हैं रीता से 30 ज्यादा, देन राकेश गॉट रुपीज इक्वल टू इससे 30 ज्यादा मिले हैं, तो एक्स प्लस 30। एंड अमन को राकेश से 40 ज्यादा मिले हैं, अमन को इससे 40 ज्यादा मिले हैं, तो अमन में ओवर ऐड कर दो 40। तो ये टोटल कितना हो गया, 30 प्लस 40 कितना हो गया 70। क्लियर है यहां तक, यहां तक समझ आ गया स्टूडेंट। रीता रीता को मिले हैं x, राकेश को मिले हैं x प्लस 30, और अमन को कितने मिले हैं बेटा इससे 40 ज्यादा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन तीनों का जो सम है वो 400 है, क्योंकि 400 रुपीज बांटे हैं, तो इन तीनों का प्लस कर दो। x प्लस राकेश के कितने हैं x प्लस 30, अमन के कितने हैं x प्लस 70, इक्वल टू कितना आ गया 400। ठीक है, x x और x कितना हो जाएगा 3x, 30 और 70 कितना हो गया 100, इक्वल टू आ गया 400। ठीक है, 100 उधर जाके क्या हो जाएगा स्टूडेंट, माइनस 400 माइनस 100, तो 3x इक्वल टू आ गया 300, तो x की वैल्यू आ गई 300 अपॉन 3, तो x की वैल्यू आ गई 100। यानी रीटा को मिले हैं, लास्ट में लिख देना 100 रुपीस, और राकेश को मिले हैं 130 रुपीस, और अमन को मिले हैं 170 रुपीस। क्लियर है, तो इस तरह से आपको ये करके दिखाना था स्टूडेंट, समझ आ गया आपको। ठीक है, तो ये आपका 6th क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो आज अपने सिर्फ इतना ही करेंगे, बाकी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मैंने आपको बता दिया है, आपकी क्लास में स्टूडेंट जो भी हैं 8th में, सभी अपना वर्क जो है सैटरडे को मैन आएगी वो सबमिट करवाएंगे, और मैं लिस्ट बनाकर जरूर भेजूंगा, और जिनका वर्क नहीं कंप्लीट हुआ या जिन्होंने वर्क किया नहीं या कोई डिस्टर्बेंस हो गई उनका कॉल मेरे पास आना चाहिए। ठीक है, मैं सभी पेरेंट्स को कॉल भी करूंगा जिसका वर्क कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है, और सभी बच्चों ने चाहे जिस बच्चे का शुरू का एक चैप्टर भी किया हुआ है, चाहे दो किया हुआ है, चाहे थ्री किया हुआ है, वो सभी बच्चे मुझे अपनी नोटबुक जरूर भेजेंगे। ठीक है, सभी बच्चों की नोटबुक ओम सर के पास सैटरडे को सबमिट होनी चाहिए। ठीक है, और मंडे को आपकी नोटबुक वापस मिल जाएगी, और टेस्ट की प्रिपरेशन सभी बच्चों ने करनी है, बाकी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।